हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड एक आसान प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक स्पाइरल कॉइल दी गई है जिसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर है। ये रेडियस कैपिटल आर दी हुई है, इसमें कैपिटल एन टर्न्स हैं। इस कॉइल को यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा है। अपने को कॉइल के टर्मिनल्स A1 और A2 के बीच में इंड्यूस्ड EMF निकालना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन एक रिंग टाइप एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। इस रिंग टाइप एलिमेंट की रेडियस है स्मॉल आर और इसकी थिकनेस अपने को दी हुई है डी आर। रिंग का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने टर्न्स हैं वो अपन पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को मैं डीएन से डिनोट कर देता हूँ। अपने को ये दिया हुआ है स्पाइरल कॉइल में आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, यानी इस आर डिस्टेंस में कैपिटल एन टर्न्स हैं। तो अगर आर डिस्टेंस में कैपिटल एन टर्न्स हैं तो यूनिट डिस्टेंस में एन अपॉन आर टर्न्स होंगे और डी आर डिस्टेंस में टर्न्स होंगे एन अपॉन आर डी आर। ये डीएन की वैल्यू हो जाएगी। तो डीएन की जगह अपन ये रख सकते हैं एन अपॉन आर डी आर। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिया हुआ है तो इस रिंग टाइप एलिमेंट से लिंक्ड फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू डीएन बी ए। मैं तीनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। डीएन की वैल्यू तो हो जाएगी एन अपॉन आर डी आर, बी की वैल्यू है बी नॉट कॉस ओमेगा टी और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास ये आ जाएगा एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर डी आर कॉस ओमेगा टी। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरी स्पाइरल कोइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स ही आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू, मैं कॉन्स्टेंट टर्म्स को तो बाहर निकाल लेता हूँ, एन बी नॉट पाई अपॉन कैपिटल आर कोस ओमेगा टी, ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर ये रहेगा आर स्क्वायर डी आर। इसको आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देते हैं। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो फ्लक्स लिंक्ड ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एन बी नॉट पाई अपॉन कैपिटल आर कोस ओमेगा टी आर क्यूब बाई 3। इसमें लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट कैपिटल आर है, लोअर लिमिट 0 है। तो अपने पास ये आ जाएगा एन बी नॉट पाई अपॉन आर कोस ओमेगा टी आर क्यूब बाई 3। डिनोमिनेटर में आर है जबकि न्यूमेरेटर में आर क्यूब है, तो ऊपर आर स्क्वायर रह जाएगा एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3 कोस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करने के लिए अपने को इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू मॉड डी फाई बाई डी टी। पहले अपन डी फाई बाई डी टी पता कर लेते हैं। फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो अपने पास ये आएगा एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3
कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ये आ जाएगी इज इक्वल टू एन बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाई 3 साइन ओमेगा टी। ये कोइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी।